गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम स्वाति सिंह. हमने जो हमारी बात चल रही थी इससे पहले की इस वीडियो में, एजुकेशन साइकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी मेथड्स थे हम उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे, समझ रहे थे कि कौन कौन से मेथड्स हैं आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर. और एजुकेशनल हमारे जितने भी मेथड्स हैं वो सारे, बिकॉज़ वो आपके लिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत हेल्पफुल होते हैं, और उन्हीं के बारे में डिस्कस कर रहे थे. तो इससे पहले वाली जो वीडियोज़ हैं आपके पास अपलोडेड हैं हमारी वेबसाइट पर, यूट्यूब चैनल पर, तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं सारी वीडियोस. इससे पहले भी जितने मेथड्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं तो आप चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा उन्हें. और आगे की वीडियोस में मैं ट्राई करूंगी कि आपको सारे मेथड्स कंप्लीट करवा दूं साइकोलॉजी और प्लस पेडागोजी के लिए. दोनों के अंदर आपके मेथड्स आते हैं. तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड के बारे में वो है इंटरव्यू मेथड, यानी कि साक्षात्कार विधि. देखिए, इंटरव्यू कॉमन भाषा में आपने अपनी डेली लाइफ में बहुत बार सुना होगा. तो आपको सिर्फ ये पता लगाना है आज की हमारी क्लास के थ्रू कि उसको एजुकेशन से कैसे आप रिलेट करके बच्चों के लिए हेल्पफुल बना सकते हैं, या हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कैसे इफ़ेक्टिव बना सकते हैं. आफ्टर 12th, या फिर आपने वैसे भी देखा होगा कि जो जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर एक इंटरव्यू का पार्ट होता है, एक इंटरव्यू सेशन होता है जिसके अंदर आप जाते हैं, आपको एक टाइम फिक्स किया जाता है, आप उनसे मिलते हैं, फेस टू फेस इंटरव्यू होता है जिससे आपसे आपकी पर्सनल डिटेल, प्रोफेशनली आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं. तो इससे क्या है, जो आपका इंटरव्यूअर होता है उसको हेल्प होती है आपके बारे में जानने के लिए, क्योंकि अगर आप वो आपको किसी भी जॉब के लिए हायर कर रहा है तो आपको उस इंटरव्यूअर को पता होना चाहिए आपकी उस जॉब के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं. तो इसीलिए वो एक इंटरव्यू का पार्ट रखता है फेस टू फेस. तो इसीलिए अब उसका एजुकेशन मेथड से कैसे रिलेट है, वो आपके लिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कैसे और हेल्पफुल बनाता है और मीनिंगफुल बनाता है बच्चों के लिए, उसके बारे में बात करेंगे. देखिए, आपको पता चल ही गया है कि आपको पता ही कि इंटरव्यू का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, ठीक है. तो ज़्यादातर जो इंटरव्यू मैथड यूज़ किया जाता है हमारे एजुकेशनल साइकोलॉजी में या मैथड्स के थ्रू, वो ज़्यादातर बच्चे का इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, नॉलेज और ये इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए किया जाता है. इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, अभिरुचि जानने के लिए, योग्यता वो कितना एलिजिबल है, मनोवृत्तियाँ यानी कि उसका एप्टीट्यूड क्या है, वो किस टूवर्ड्स किसके प्रति ज़्यादा संवेदिंग है उस चीज़ के बारे में, या किसी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जानने के लिए जो वो अपनी डेली लाइफ में फेस कर रहा है. ये नहीं केवल आपको बच्चे का इंटरेस्ट, योग्यता और मनोवृत्तियाँ जानने के बारे में ही हम इंटरव्यू पार्ट रखते हैं या इंटरव्यू का मेथड यूज़ करते हैं. अगर बच्चा किसी प्रकार की कोई समस्या अपने डेली लाइफ में फेस कर रहा है, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, एजुकेशनल वोकेशनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो उसके लिए भी इंटरव्यू मेथड हमारा बहुत यूज़फुल है. समस्या का पता लगाने के लिए हम इंटरव्यू मेथड को कंडक्ट करते हैं. और इंटरव्यू मेथड होता कैसे है, एक एक करके बच्चे को बुलाया जाता है इंटरव्यूअर के सामने, तो वो वहाँ पे क्वेश्चनिंग के थ्रू बच्चे की नॉलेज जानने के लिए ट्राई करते हैं. वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, या तो उसका इंटरेस्ट जानने के लिए कर सकते हैं, वो उसकी नॉलेज योग्यता जानने के लिए कर सकते हैं, उसका एप्टीट्यूड जानने के लिए कर सकते हैं. अगर उनको कुछ इस टॉपिक पर बच्चे का इंटरव्यू लेना है कि उनको बच्चे में किस प्रकार की मेंटल एबिलिटी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उससे भी उसके थ्रू भी क्वेश्चनिंग जो आपका इंटरव्यू है वो कर सकता है. अब इसके बाद क्या होता है कि साक्षात्कार जो हमारा इंटरव्यू मेथड है वो समायोजन संबंधित समस्याओं का अध्ययन करता है. मतलब अगर किसी बच्चे को अपने एनवायरनमेंट में या स्कूल में किसी प्रकार का एडजस्टमेंट करने में कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि वो क्यों अपना एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा है प्रॉपर रूप से, अगर 10 बच्चे हैं, 9 बच्चे बहुत अच्छे से किसी ग्रुप में इन्वॉल्व होते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, बोलचाल में अच्छे हैं, या फिर किसी भी चीज़ के मतलब एडजस्टमेंट हर किसी की सिचुएशन में वो ढल
जाते हैं किसी रूप में, लेकिन एक जो बच्चा है वो इस रूप से नहीं है, तो आप जानने की कोशिश करेंगे एज अ टीचर इंटरव्यूअर कि उसको क्या प्रॉब्लम है, क्या वो चीज़ें फेस कर रहा है, क्यों वो एडजस्ट करने में प्रॉब्लम को उसको फेस करना पड़ रहा है, और बच्चे का और सबसे ज़्यादा इंटरव्यूज मेथड जो हमारा यूज़फुल है वो आपका व्यावसायिक निर्देशन के लिए यानी कि वोकेशनल गाइडेंस के लिए भी यूज़फुल है। आप बच्चे को प्रॉपर गाइड कर सकते हैं कि आपको आफ्टर 12th या आफ्टर 10th कौन सी स्ट्रीम साइट्स में जाना चाहिए, ताकि आपको डॉक्टर बनना है तो आप ये वाली साइट लीजिए, या आपको IAS करना है तो आप ये वाली साइट से पढ़िए, और इन सारी चीज़ों में आपके लिए क्या क्या बेनिफिशियल चीज़ें हैं, क्या आपको नेगेटिव्स देखने के लिए मिलेंगे, आफ्टर 12th आप क्या क्या कर सकते हैं किस किस फील्ड से, तो ऐसी चीज़ें इंटरव्यू के द्वारा एज अ टीचर या एज अ इंटरव्यूअर आप बच्चों को बता सकते हैं, उनको प्रॉपर गाइडेंस कर सकते हैं। अब ये दो टाइप की होती है हमारी टाइप ऑफ इंटरव्यू, जिस इसमें पहला हमारा टाइप है संरचित साक्षात्कार, मतलब स्ट्रक्चर होता है, और सेकंड होता है असंरचित साक्षात्कार। ये अनस्ट्रक्चर्ड होता है। इन दोनों में क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट टाइप है संरचित साक्षात्कार यानी कि स्ट्रक्चर इंटरव्यू, इसके अंदर क्या होता है कि पहले से ही सारी चीज़ें एक स्ट्रक्चर में बना ली जाती हैं, मतलब एक ढांचा तैयार कर लिया जाता है कि आपको किस टाइम पे इंटरव्यू लेना है, किस क्लास का लेना है, उसके अंदर आपको क्या क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, उस क्वेश्चंस पूछने के आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, फिर आपको इवैल्यूएशन किस हिसाब से करना है, फिर आपको मार्क्स किस हिसाब से देने हैं, डाटा क्या कलेक्ट करना है, ये सारा क्या है प्री प्लानिंग कर ली जाती है इंटरव्यू करने से पहले। तो स्ट्रक्चर वाले में तो आप प्री प्लानिंग करके ही इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करते हैं कि अगर मुझे 10th क्लास के बच्चे का इंटरव्यू लेना है तो साइंस से रिलेटेड लेना है, कि मुझे पता होना चाहिए कि उसको साइंस के कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं, कौन से नहीं हुए हैं, उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, और इंटरव्यू का टाइमिंग कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें क्या है आप स्ट्रक्चर में रखेंगे। लेकिन अनस्ट्रक्चर सेकंड टाइप है हमारा असंरचित साक्षात्कार, इसमें क्या होता है इसमें कोई भी चीज़ पहले से प्री प्लान नहीं की जाती है, कोई भी स्ट्रक्चर तैयार नहीं होता है, इसके अंदर केवल एक टाइम और एक लिमिट हमें दे दी जाती है कि इतने टाइम का इंटरव्यू होगा, उसमें आपके माइंड में उस ऑन द स्पॉट जो भी क्वेश्चंस आते हैं आप इंटरव्यू होते हुए आप बच्चे से क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, मतलब आपको पहले ये डिसाइड नहीं करना है कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड ही बच्चे से क्वेश्चनिंग करनी है या फिर आपको इसी के थ्रू बच्चे से क्वेश्चन पूछने हैं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मेंटेन नहीं करनी है, पहले से प्री प्लान नहीं करनी है। आप सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि आपने इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया, बच्चा आपके सामने आया, तो उस टाइम पे बच्चे को देखते हुए आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या वो पर्सनल हो, वोकेशनल हो, और अनदर जैसे आपकी स्पोर्ट्स वगैरह एंड ऑल कोई भी फील्ड से रिलेटेड हो, आप बच्चे से जो भी मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं उस टाइम पे पुट कर सकते हैं, और बच्चा आपको उसके आंसरिंग करने के साथ उसी के थ्रू आप उसका इवैल्यूएशन करेंगे और बाकी डाटा कलेक्शन करेंगे, ठीक है। तो आपको ये दोनों टाइप पता चल गए, संरचित में सब कुछ स्ट्रक्चर्ड होता है, पहले से प्री प्लान होता है कि आपको क्या करना है, कितने क्वेश्चंस करने हैं, एक प्रॉपर डाटा होता है आपके पास और एक प्रॉपर ढांचा तैयार होता है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चनिंग भी आपके पास होती है कि आपको इतने ही क्वेश्चंस पूछने हैं, अगर आपने 10 क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं बच्चे से पूछने के लिए तो आप 10 ही पूछेंगे, आप वहाँ पे ये नहीं कर सकते कि आपके मन में अगर 11th क्वेश्चन कोई पुट हो रहा है तो आप वहाँ पे उसको पूछ ले, बिल्कुल नहीं। अगर आपके 10 आपको पहले से प्री प्लान है कि आपको इस टाइम के पीरियड में आपको 10 ही क्वेश्चन बच्चे से पूछने हैं, तो आप स्ट्रक्चर वाले में 10 ही क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन अनस्ट्रक्चर वाले में आप अगर आपके मन में 11 क्वेश्चन आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं, कितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं और किसी भी टाइप के आ रहे हैं, आप वहाँ पर बच्चे से पुट कर सकते हैं।
इसके बाद अब हमारा इंटरव्यू मेथड आपको पता चल गया कि इंटरव्यू मेथड में हम क्या क्या चीज़ें बच्चे की ऑब्जर्व करने के लिए ट्राई करते हैं, कि क्या क्या पता होना चाहिए, रुचियाँ, योग्यता, मनोवृत्तियाँ, और किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो वो भी हम पता लगा सकते हैं। और दूसरी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप्स की होती है, जिसमें एक स्ट्रक्चर्ड होता है और एक अनस्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है। इसके बाद इसके गुण और अवगुण देख लेते हैं कि इंटरव्यू मेथड हमको कब यूज़फुल ज़्यादा होता है, कब हमारे लिए, बच्चों के लिए ज़्यादा मीनिंगफुल होता है और कब नहीं होता है। इंटरव्यू मेथड के गुण क्या हैं? पहला गुण है इसमें जो इसका बेनिफिट है इंटरव्यू मेथड मतलब ऑर्गेनाइज करने का, इसमें हमारा पहला है व्यवहार व शैक्षिक समस्याओं का पता लगाना। इंटरव्यू मेथड के द्वारा आप बच्चे का कोई भी बिहेवियर जज कर सकते हैं। अगर बच्चा आपके सामने आता है कोई भी इंटरव्यू देने के लिए तो आप वो वहाँ पे उसका बिहेवियर जज कर सकते हैं। जैसे कई बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, किसी में इतना कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता है कि वो आपको ठीक से आंसरिंग कर सके। हो सकता है उनको आंसर पता हो, आपने जो भी क्वेश्चन पुट किया है उनको आंसर पता हो कि उसका आंसर क्या है, लेकिन वहाँ पर वो इतने नर्वस हो जाते हैं कि आपको आंसर प्रॉपर नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर कई बच्चों के साथ क्या होता है, वो तुतलाना शुरू कर देते हैं, हकलाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। वो ज़्यादा प्रॉपर ढंग से अपने कॉन्फिडेंस लेवल के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे आंसरिंग नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पे क्या है, आप उसका बिहेवियर भी जज कर सकते हैं कि बच्चे में कॉन्फिडेंस लेवल कितना है और बाकी वो आपको आंसरिंग किस रूप में कर रहा है। जैसे आप वहाँ पे भाषा ज्ञान भी आप बच्चे का देख सकते हैं कि बच्चा एक प्रॉपर वे में बोल रहा है, नहीं बोल रहा, किन वर्ड्स का यूज़ कर रहा है। और शैक्षिक समस्याओं का कैसे पता लगा सकते हैं, आपने बच्चे से कोई स्टडी रिलेटेड या कॉन्सेप्ट रिलेटेड कोई क्वेश्चनिंग की है, तो बच्चा अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी मैथ्स में आपने कोई फार्मूला बच्चे से पूछ लिया, अगर बच्चे को पता है वो फार्मूला तो वो आपको आंसर कर देगा, और अगर नहीं पता या आधा अधूरा पता है या उसको कोई प्रॉब्लम वहाँ पे फेस करने को आ रही है तो वहाँ पे क्या है, वो आपसे डिस्कस करेगा या आप भी जानने की कोशिश करेंगे कि उसको वहाँ पे उस मेथड को लर्न करने में क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो फर्स्ट जो हमारा यूज़फुल है वो व्यवहार और शैक्षिक समस्याओं को पता लगाने में यूज़फुल है। सेकंड इसका है मानसिक और शारीरिक पहलुओं पर अध्ययन करना, मानसिक व शारीरिक पहलुओं का अध्ययन। इसमें क्या होता है कि मानसिक और शारीरिक पहलुओं का अध्ययन कैसे होता है, बच्चे के इंटरव्यू के दौरान आप कोई भी उसके फेशियल एक्सप्रेशन जज कर सकते हैं। जैसे बच्चा चलकर आता है इंटरव्यू के अंदर, जो एक ऑर्गेनाइज्ड आपका क्लासरूम है, कोई इंटरव्यू रूम है, वहाँ पे क्या होता है जब बच्चा चलकर आता है वहाँ पे आप उसका कॉन्फिडेंस लेवल देख सकते हैं। क्योंकि हमको कहते हैं ना, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर से, फेशियल एक्सप्रेशन से, बॉडी गेस्चर से, मूवमेंट से, इनसे क्या है, एक बच्चे का कॉन्फिडेंस पता चलता है कि वो कितना अपने आप में कॉन्फिडेंट है कि हाँ मैं बहुत अच्छे ढंग से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाऊंगा, वो नर्वस नहीं होगा, उसको किसी भी प्रकार की हेजिटेशन नहीं होगी। और वो मानसिक यानी कि मेंटल एबिलिटी वहाँ पे आप जज कर सकते हैं कि बच्चे का IQ लेवल कितना है। अगर आप कोई बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट उससे पूछ रहे हैं, कई बार बच्चों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा जैसे बच्चे क्रिएटिव होते हैं और जो अनक्रिएटिव होते हैं, तो उन बच्चों में क्या फ़र्क होता है कि अगर आप उनसे कोई ऐसा क्वेश्चन पुट कर ले इंटरव्यू के दौरान कि उनके कॉन्सेप्ट से बिल्कुल हटके हो, मतलब उन्होंने कभी पढ़ा ना हो, सुना ना हो, तो जो क्रिएटिव और सुपीरियर बच्चे होते हैं कि उनको पता होता है कि हाँ ये चीज़ क्या है, तो उसमें क्या होता है कि वो बच्चों को आंसर ना पता होते हुए भी वो ट्राई करते हैं कि मैं ट्राई तो करूँ, कुछ ना कुछ बोलूँ तो क्या पता सही हो, मतलब अपनी मेंटल एबिलिटी या अपने IQ लेवल के हिसाब से वो ट्राई करते हैं आंसरिंग करने का, क्या पता गलत हो जाए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप फर्स्टली पहले ट्राई करेंगे कि आपको इसका आंसर करना है, क्या पता सही हो। क्योंकि अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इंटरव्यू मेथड स्टार्टिंग में बोला था तो आपके दिमाग में एक थॉट आया होगा, एक घंटी बजी होगी कि इंटरव्यू आपने अपनी डेली लाइफ में बहुत बार सुना होगा कि इंटरव्यू प्रोसेस होता क्या है, इंटरव्यू आपके जैसे वोकेशनली लिए जाते हैं
जॉब्स के दौरान लिए जाते हैं, तो आपको पता होता है कि कैसे इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया जाता है, कैसे उसका प्रोसेस होता है कि क्वेश्चनिंग होती है और आपको वहाँ पे क्या क्या चीज़ें जज करनी पड़ती हैं। तो इसी के जैसे आपके दिमाग में एक थॉट आया, वैसे ही क्या होता है बच्चे के दिमाग में भी उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो क्रिएटिव स्टूडेंट्स होते हैं, एक थॉट आता है कि हाँ शायद ये हो सकता है। नाम से हम जज करने के लिए ट्राई करते हैं कि अगर इंटरव्यू, अगर नाम आया है तो इंटरव्यू से रिलेटेड ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं वो ये चीज़ करने के लिए ट्राई करते हैं। तो मानसिक और शारीरिक आपको पता चल गया कि आप कैसे बच्चों के पहलुओं को जज कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे अवगुण, यानी कि दोष क्या है इंटरव्यू मेथड के, हमें क्यों यूज़ नहीं करने चाहिए। बेस्ट तो कंडीशंस हैं कि आप यूज़ करिए, लेकिन क्यों नहीं करने चाहिए वो चीज़ हमें देखनी है कि इंटरव्यू मेथड आपको क्यों अप्लाई नहीं करना चाहिए बच्चों के लिए। दोष क्या है इंटरव्यू मेथड के, पहला दोष है कि समय अधिक लगता है और खर्चीली है। समय अधिक व खर्चीली, इसमें क्या होता है कि इंटरव्यू मेथड में समय ज़्यादा लगता है इसको ऑर्गेनाइज करने में। अगर आप कोई स्ट्रक्चर इंटरव्यू रखना चाह रहे हैं तो आपको पता ही है उसमें कितना टाइम लगेगा। पहले तो आपको प्रॉपर प्री प्लान करना पड़ेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चनिंग देखने पड़ेंगे, स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, क्लासरूम एनवायरनमेंट एंड ऑल थिंग्स आपको सारी इन्वॉल्व करनी पड़ेंगी उसमें, तो उसमें भी टाइम जाएगा। फिर जब आप इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे तो उसमें भी टाइम लगेगा। अगर एक क्लास में 50 बच्चे हैं और आपने 10-10 मिनट सभी के लिए, तो 50 मिनट तो आपके सीधे वैसे ही खड़े हो जाएंगे, तो उसमें क्या होगा 500 मिनट आपके खड़े हो जाएंगे। तो इसीलिए समय ज़्यादा लगता है, और इसमें समय के अनुसार मतलब समय अधिक लगने के हिसाब से ही क्या होता है कम चीज़ें पूछी जाती है। कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ हमें पूछनी है वो चीज़ हम प्रॉपर रूप से जज नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास लैक ऑफ टाइम इतना कम होता है, हमारे पास टाइम की, समय की इतनी कमी होती है कि हम बच्चे से जल्दी जल्दी में बस कुछ ही क्वेश्चनिंग करके उसको भेज देते हैं ताकि सेकंड बच्चा है उससे करें। तो वहाँ पे हम बच्चे को प्रॉपर जज नहीं कर सकते, क्योंकि हमने वहाँ पे कुछ ही क्वेश्चनिंग की है। ज़रूरी नहीं ना, मान लीजिए आपका कोई कॉन्सेप्ट है, आप उसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे को कितना आया नहीं आया, किस स्टेज पे है या बच्चा कहाँ पे स्टैंड करता है, तो उससे रिलेटेड अगर आपके माइंड में 15 क्वेश्चन आते हैं या आपने 15 क्वेश्चन किए, लेकिन टाइम ज़्यादा लग गया बच्चे के आंसरिंग करने में या कुछ, और वहाँ पे आप 5 ही क्वेश्चन पुट कर पाए, तो जो आपके 10 मार्क्स मतलब 10 क्वेश्चंस रह गए पुट करने के लिए, उससे रिलेटेड जो आपके ऑब्जेक्टिव्स थे सेट किए हुए, वो क्या है फुलफिल नहीं होंगे। तो वहाँ पे क्या है, हमारी जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं मेन ऑब्जेक्टिव्स वो रह जाएंगे। तो इसलिए समय अधिक लगता है, खर्चीली इसलिए है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो आपका टीचर होता है वो अच्छा इंटरव्यूअर नहीं होता है, एक प्रॉपर वे में बच्चे से क्वेश्चनिंग नहीं कर पाता है। बिकॉज क्वेश्चनिंग करने में या इंटरव्यू मेथड में आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि बच्चे के साथ कैसा बिहेवियर हो, बच्चे को बिल्कुल फ्रेंक एनवायरनमेंट दिया जाए ताकि बच्चा आपके साथ इतना कंफर्ट हो कि उसको नर्वसनेस ना हो या फिर वो आपके क्वेश्चनों का ठीक से उत्तर दे सके और हेजिटेशन ना ले कोई भी, या कोई अपने माइंड पे प्रेशर ना ले ताकि वो मतलब क्वेश्चनिंग आपको, आंसरिंग आपको ना कर सके। तो इस रूप में समय अधिक लगता है और बहुत ज़्यादा खर्चीली है। सेकेंड जो इसका दोष है वो है, हेलो या परिवेश प्रभाव। अब ये क्या होता है, हेलो मैं आपको बता देती हूँ इसका मतलब क्या होता है। हेलो परिवेश या हेलो या परिवेश प्रभाव वो होता है कि इंटरव्यूअर के द्वारा कोई भी अपने माइंड में पहले से ही कोई ना कोई पूर्व धारणा या कुछ थॉट्स ऐसे क्रिएट कर लिए जाते हैं जब वो इंटरव्यू लेने जाता है, तो वहाँ पे उस कंडीशन में, वो प्रेजेंट कंडीशन में कुछ चीज़ें फुलफ़िल नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें हो जाती हैं, तो वहाँ पे जो एक डिसअपॉइंटमेंट मिलती है इंटरव्यू को वो हानिकारक होती है। अब वो किस रूप में एक्चुअली होता क्या है हेलो परिवेश के अंदर, कि
मान लीजिए आपका बहुत ही ज़्यादा कोई फेवरेट स्टूडेंट है और वो आपके सामने आता है इंटरव्यू के दौरान, तो आप क्या करेंगे? आपको पहले से ही पता है क्लासरूम टीचिंग के अकॉर्डिंग या बाकी चीज़ों के अकॉर्डिंग कि वो तो आपका फेवरेट स्टूडेंट है या उसका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है या कोई भी चीज़ है, तो आप उसको क्या करेंगे क्लासरूम जब आपका इंटरव्यू लेंगे आप उस बच्चे का, आप उसको बुलाएंगे, बिठाएंगे, आप कोई वहाँ पे क्वेश्चनिंग पुट नहीं करेंगे, कोई उसका एकेडमिक रिकॉर्ड चेक नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। वहाँ पे क्या होगा, आप वहाँ पे गप्पे मारने लगेंगे बच्चों से और वहाँ पे मतलब इस तरह से वहाँ पे एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट कर देंगे कि बच्चे को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम इन द सेंस कि आप वहाँ पे एक तरह की पार्शियलिटी कर देते हैं। क्यों पार्शियलिटी कर देते हैं? क्योंकि बाकी बच्चों से तो आप क्वेश्चनिंग कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, अपने कंटेंट से, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए, लेकिन वो आपका फेवरेट स्टूडेंट है, आपके माइंड में पहले से ही एक पूर्व धारणा बनी हुई है कि हाँ ये वाला बच्चा बहुत ब्राइट है, पढ़ने में अच्छा है, स्पोर्ट्स में अच्छा है, स्कॉलर एकेडमिक सब फुलफिल है, 100% है बिल्कुल बच्चा आपस में। तो क्या होगा, जब आप उसका इंटरव्यू लेंगे ना तब उस कंडीशन में आप उससे कोई भी प्रॉपर क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे, बस थोड़ी देर बात करेंगे, गप्पे मारेंगे, उसके घर में कौन है ये जानने की कोशिश करेंगे और बच्चे को उठा के भेज देंगे और आप उसको नंबर दे देंगे। तो वहाँ पर क्या होता है, इस बच्चे के साथ आपने ऐसा किया। और सेकंड कंडीशन आ जाती है, कोई ऐसा स्टूडेंट आता है जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, आपके माइंड में उसके लिए भी एक थॉट डेवलप हुई हुई है कि वो बच्चा बहुत बिगड़ा हुआ है, बदमाश है, बात नहीं सुनता, पढ़ाई में नलायक है, ये वो, क्या पता वो मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट कॉपी और पेन के द्वारा बुक्स में ना कर पाता हो, लिख कर ना बता पाता हो, लेकिन ओरली अपने आप को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट कर पाए या वो अपनी प्रॉब्लम बता पाए। अगर उसको कोई प्रॉब्लम फेस हो भी रही है तो क्या पता क्वेश्चनिंग या इंटरव्यू मेथड के द्वारा वो आपको उस चीज़ के बारे में बता सके, लेकिन आप वहाँ पे भी क्या करेंगे, उससे भी कोई क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे, उसको बुलाएंगे, आपके माइंड में पहले से ही पूर्व धारणा बनी हुई है कि ये बच्चा ऐसा है, तो आप उसको 5 मिनट बिठाएंगे और उसको डांटेंगे कि आप पढ़ते क्यों नहीं हो, ऐसे रिएक्ट करते हो, ऐसे हो, आप नालायक हो, आप बदमाश हो, ये वो, उसको 4 बातें सुना के भेज देंगे। तो वहाँ पे वो जो पार्शियलिटी हो जाती है ना, वहाँ पे आप क्या करेंगे, फिर उसको कम नंबर दे देंगे। तो वहाँ पे ना तो आपने खुद इंटरेस्ट लिया एज अ इंटरव्यूअर कि आप बच्चे को जान सके, और दूसरे बच्चे के साथ क्या किया, वहाँ पे भी आपने कोई इंटरेस्ट क्रिएट नहीं किया बच्चे के साथ कोई क्वेश्चनिंग करने के लिए। तो वहाँ पे हेलो प्रभाव या परिवेश प्रभाव बोलते हैं इसको, जहाँ पे इस तरह की पूर्व धारणा पहले से क्रिएट की जाती है और उसी के अकॉर्डिंग अपने जजमेंट दिए जाते हैं। इसके बाद है थर्ड, बच्चों का घबराना। मैंने बताया आपको इंटरव्यू के दौरान क्या होता है कि कई बार बच्चे इतने नर्वस हो जाते हैं, इतने घबरा जाते हैं, जिन बच्चों में मतलब थोड़ी भाषा विकास इतना नहीं हो पाता है कि वो आपको प्रॉपर ढंग से आंसरिंग कर सके एक प्रॉपर वे में, तो उस कंडीशन में क्या होता है, बच्चे आपके सामने खुलकर बोल नहीं पाते हैं या फिर बच्चे आपसे इतने फ्रेंडली नहीं होते हैं कि वो अपनी बात आपके सामने रख सके, तो उस मूवमेंट में भी बच्चे आपके सामने इतना ओपन नहीं हो पाते हैं कि वो अपनी बात रख सके। कई बार ऐसे होता है बच्चों के माइंड में 100 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, 100 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन वो आपसे इतने फ्रेंडली नहीं हैं कि वो प्रॉपर वे में आपके सामने अपनी प्रॉब्लम को रख सके या बात कर सके कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ मेरी हेल्प करें इसमें, या ये चीज़ मुझे समझने में प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पर हेल्प करें। तो बच्चे वहाँ पर नर्वस हो जाते हैं। और कई बार ऐसे भी होता है कि एज अ टीचर, एज अ इंटरव्यू, आपने कोई चीज़ बच्चों से पूछी है, बच्चों को आंसर तो पता है उसका, उसको पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लेकिन वहाँ पे वो नर्वसनेस के कारण या किसी प्रकार की हेजिटेशन के कारण वहाँ पे अपने आप को प्रॉपर ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है कि मैम इसका आंसर ये होगा, वहाँ पे बच्चा नर्वस हो जाता है। और जैसे पिछड़े हुए बालक होते हैं या कुसमायोजित बच्चे होते हैं जो एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम करते हैं, वो क्या है, वो भी आपके सामने इतने ओपन नहीं हो पाते हैं जिससे वो आपको प्रॉपर आंसरिंग कर सके। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इंटरव्यू मेथड रखना या उसको ऑर्गेनाइज करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसके बाद है शील गुणों का पता लगाना।
इसका एक दोष ये भी है कि जब हम शील गुणों का पता लगाते हैं बच्चे के अंदर, मतलब एक प्रॉपर जजमेंट देते हैं या हमें पता होता है कि बच्चे के अंदर शील गुण, आपको पता है क्या होता है शील गुण? होते हैं वैसे बिहेवियर्स जो टेम्परेरी नहीं होते, जो आपके अंदर रहते ही हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर, पहले वाली वीडियो में, कि अगर कोई बच्चे के अंदर कोई ऐसा गुण है, गुण होते हैं जैसे कोई बच्चा बहुत अच्छा है या फिर काफ़ी मतलब ईमानदार है या फिर बहुत रिस्पेक्टफुल, मतलब सबकी रिस्पेक्ट करता है, ये क्या है? गुण अवगुण होते हैं। तो इसी में शील गुण क्या होते हैं? शील गुण इस तरह से होते हैं कि आज आप बच्चे का मतलब जजमेंट कर रहे हैं, किसी गुण को लेके कोई जज कर रहे हैं, तो 10 साल बाद भी जब आप जज करेंगे ना, वो बच्चा वैसा ही रहेगा, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। वो कैसे होते हैं? मैंने आपको एग्जांपल दिया था छोटा सा कि ईमानदार, अगर बच्चा कोई ईमानदार है, बच्चे के सामने 10 रुपये का नोट पड़ा हुआ है, उसने सोचा ये 10 रुपये का नोट है, मैं टीचर को दे देता हूँ, तो जिसका भी है मैम उसको वापस कर देंगी, तो वो बच्चा ईमानदार हुआ। ठीक है, उस कंडीशन में आपने क्या जजमेंट दी कि बच्चा बहुत ईमानदार है कि उसे 10 रुपये का नोट मिला और उसने लाके मुझे ईमानदारी से वापस कर दिया, अब मैं जिस बच्चे का होगा उसका दे दूँगी। ठीक है, लेकिन 2 घंटे बाद उस बच्चे को 500 का नोट मिलता है, फिर बच्चे ने क्या सोचा कि वो तो 10 रुपये का नोट था तो मैम को दे दिया, कोई बात नहीं, ये तो 500 का नोट है, बहुत बड़ा नोट है, इससे तो मेरी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो इसको मैं अपने पास रख लेता हूँ, मैम को देने की ज़रूरत नहीं है, क्या करूँगा देकर। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे बच्चे का ईमानदारी का गुण कहाँ गया? वो तो कहीं गुम हो गया ना, पहले वाली कंडीशन में उसने ईमानदारी दिखा दी अपनी कि टीचर को दे दिया क्योंकि नोट छोटा था, लेकिन अब बड़ा नोट मिला तो वहाँ पे बच्चे की ईमानदारी डगमगा गई। तो वहाँ पे क्या होगा कि बच्चा ईमानदार नहीं है, वहाँ पे उसने आर्टिफिशियल बिहेवियर क्रिएट किया था, यानी कि ईमानदार का शील गुण उसमें नहीं है। आपने एक बार जज किया, लेकिन अगर आप 2 घंटे बाद भी आपको 500 का मिल रहा है, 1000 का मिल रहा है, और बच्चा उसी वे में टीचर को लाके वापस देता है, तो और उस कंडीशन में वो ईमानदार होगा कि दोनों कंडीशन में बच्चे ने सेम बिहेव किया, वहाँ पे किसी भी प्रकार का अंतर आपको देखने को नहीं मिला, तो वो उस कंडीशन में वो ईमानदार होगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या हुआ कि बच्चे ने पहली कंडीशन में आपको ला कर दिया वापस और सेकंड कंडीशन में आपको वापस नहीं किया, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे जो अंतर देखने को मिल रहा है, जो डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पे उस कंडीशन में बच्चे के अंदर शील गुण प्राप्त नहीं होगा। तो इसीलिए शील गुणों का पता लगाना, इंटरव्यू मेथड के द्वारा हम बच्चों के शील गुणों का पता लगाते हैं, लेकिन हम प्रॉपर ढंग से नहीं पता लगा पाते हैं क्योंकि इंटरव्यू में टाइम इतना कम होता है कि आपने बच्चे से क्वेश्चनिंग करी तो आपको बच्चे ने आज कुछ आंसर दिया और 3 महीने बाद 4 महीने बाद आप जब दोबारा इंटरव्यू मेथड उस पर अप्लाई कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो क्या पता उसका इंटरेस्ट चेंज हो जाए, कुछ और चेंज हो जाए, या फिर उसका यही ईमानदारी कुछ डगमगा जाए, वो वहाँ पर आंसर ना करे। ठीक है, तो आज का जो हमारा ये इंटरव्यू मेथड था, आपको आज का मेथड भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करेंगे, आपके जितने भी सारे मेथड्स हैं मैं आपको सारे करवा दूंगी, उसके बेनिफिट्स, उसके गुण अवगुण आपको सारे बता दूंगी, क्योंकि बहुत यूज़फुल होते हैं, जो हमारे DSSB और KVS एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं कि जो इंटरव्यूज़, ये नहीं कि इंटरव्यू मेथड पढ़ने के क्या बेनिफिट्स हैं क्या नहीं है, पेडागोजी और साइकोलॉजी में आपको पता ही है कि मेथड्स हमारे सारे आते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए किस कंडीशन में आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं, वो किन बच्चों के लिए अप्लाई करना है। इसी से रिलेटेड आपके DSSB, KVS, CTET, ASTET इन सब में जो भी जितने भी टीचिंग रिलेटेड आपके एग्ज़ाम्स होते हैं सभी में क्वेश्चंस बनते हैं। और सेकंड बात कि अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, KVS का पूरा कोर्स आप चाहते हैं कि यहाँ से स्टडी कर सके ऑनलाइन, अपनी क्लासेस को कंटिन्यू रखें, हम ट्राई कर रहे हैं, आपको पता ही है कि KVS के अभी अप्लाई निकले हुए हैं, नोटिफिकेशंस निकले हुए हैं, तो आपका जो टाइम गैप मिला हुआ है आपको 7 और 8 मंथ्स में आपका एग्ज़ाम्स हो जाता है, तो मे बी एक्सपेक्टेड आपका अप्रैल और मई के अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट हो, तो हम ट्राई करेंगे कि विद इन फोर मंथ्स में आपका पूरा सिलेबस कवर करवा दें, उसके बाद जो 3 मंथ्स आपको बचेंगे उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपको और इसी की रिवीजन के थ्रू आपको और ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। तो इसीलिए
और ज़्यादा अगर ज़्यादा वीडियोस चाहते हैं आप तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप कोई भी कोर्स पीजीटी कंप्यूटर साइंस वगैरह का आप ख़रीदना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू ऑनलाइन स्टडीज़ और रिलेटेड स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो वीडियोस में लिंक्स और मेल आईडी और सब्सक्राइबर विद मोबाइल नंबर अवेलेबल है। आप कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।